नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी नी वन्य कॉलेज द्वारा जंगलों में सहलाई थी उगी निकलता वांस पर रिसर्च साथे कॉलेज ना विद्यार्थियों ने स्किल डेवलप करीने नवा एंटरप्रेन्योर बनावाना प्रयासों आरंभ्या छे। विद्यार्थियों पोताना भणतरनो उपयोग वांस नी खेती अने तेना मूल्यवर्धन माटे करी खेडूतों ने अने नवा साहसी उद्यमियों ने मददरूप थवानो प्रयास करशे। आजे विश्व वांस दिवस ना उपलक्ष्य मा कृषि यूनिवर्सिटी ना सेंट्रल हॉल मा आयोजित सेमिनार मा जंगल खाता ना अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों अने स्थानीय खेडूतों ने वांस नी खेती केटली उपयोगी छे अने वांस माथी कई कई मूल्यवर्धित वस्तुओं बनावी शकाय एनी विस्तृत माहिती आपवामां आवी हती। साथे ज विद्यार्थियों अने खेडूतों ने यूनिवर्सिटी ना बांबू वर्कशॉप मा डांगना कोटवाड़िया समाजना 30 जेटला खेडूतो अने कारीगरोए वांसनी वस्तुओं बनावानी तालीम पण आपी हती। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, खाने के भी एडिबल प्रोडक्ट्स है, पिकल्स है, फिर डार्ट गन्स है, फिर ट्री हाउसेस हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बने बैम्बू से, जैसे बैम्बू पुअर का गोल्ड होता है एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप भी बना सकते हो। बैम्बू एक नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है, बैम्बू सबसे फास्ट ग्रो होता है और ईजिली अवेलेबल भी है, तो आप कभी भी बैम्बू से कुछ भी इनोवेटिव बना सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है बैम्बू से, काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हो सकती है बैम्बू से। आज જ્યારે ટેકનોલોજીનો યુગ વધી રહ્યો છે અને બાંબુમાં પણ ઘણા બધા રિસર્ચો થયા છે, ત્યારે આજે આપણે બાંબુને વિવિધ ઉપયોગો, એના અગણિત ઉપયોગો છે, વધારે જો એનો એક બિઝનેસ કરી શકાય તેવું હોય તો બાંબુમાંથી જુદી જુદી આકર્ષક વસ્તુઓ છે, એન્ટિક પીસ જેને કહી શકાય, અને કોઈ પણ ટૂથબ્રશથી માંડીને પેપરથી માંડીને કપડાંથી માંડીને ટોપીથી માંડીને ટોપલાથી માંડીને આ બાંબુ એક સારી આપણને ઉપયોગી થઈ છે। નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત સેમિનારમાં વાંસ ઉપર વિવિધ વક્તાઓએ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા, જેમાં વાંસની ખેતી અને ઉદ્યોગ ઉપર વિસ્તૃત માહિતી અપાઈ હતી। વાંસ કુદરતી રીતે ઉગી નીકળતું એક પ્રકારનું ઘાસ છે, જેને કોઈ માવજતની જરૂર નથી, પરંતુ જન્મથી લઈ મૃત્યુ સુધી વાંસ માનવ જીવનને પળેપળ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે। જ્યારે વાંસ 35% વધુ ઓક્સિજન આપતો પ્લાન છે, સાથે જ ઔષધીય ગુણો અને ઘરની સાજ સજાવટમાં પણ ખૂબ ઉપયોગી છે। આધુનિકતાના દોરમાં રિસર્ચ કરી વાંસના રેસાઓનો ઉપયોગ કાપડ બનાવવામાં પણ થઈ રહ્યો છે। સરકાર વાંસનો ઉદ્યોગ માટે 5 લાખ રૂપિયાની સબસિડી પણ આપે છે અને ગુજરાતમાં હાલમાં 200 વાંસના ઉદ્યોગ કાર્યરત છે। मार्केटिंग के एक्चुअली हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक विजड़े क्लस्टर है, उसके लिए सपोज कोई भी वहाँ हमारा आदिवासी भाइयों बहनों द्वारा हमारा हैंडीक्राफ्ट बनाया है, उसका यहाँ सूरत में बहुत अच्छा एक मार्केटिंग बनाया हुआ। इसी टाइप का हमारा पूरा गुजरात में 5 टाइप्स जहाँ पर इसी टाइप का एक हमारा सेम विजड़े क्लस्टर से एक हमारा बनने वाला है, उसमें प्रोजेक्ट अभी तक इस साल में हम शुरू कर दिया है। सो इस साल में एंड में पूरा हमारा गुजरात में 5 जगह पर सेम टाइप का क्लस्टर, उसका मार्केटिंग कहाँ करना वाला है सबका हम उसका आयोजन किया हुआ है। कोई पूर्ण आदिवासी भाई बहनों को इसी टाइप का कोई हैंडीक्राफ्ट बनाएंगे वो उसमें हमारा एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी के थ्रू उसका सेलिंग हम करने के लिए प्लानिंग हम कर रहे हैं। वगर खर्चे जंगल में उगता वांस इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली और इकोनॉमिकली फायदाकारक है, जेथी વાંસની ખેતી અને મૂલ્યવર્ધિત વસ્તુઓ થકી નવા એન્ટરપ્રિન્યોર વાંસ ઉદ્યોગને નવું ઇન્જન આપી શકે છે। ધવલ પારેખ, ઈટીવી ભારત, નવસારી। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।